तो भाई लोग आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि YouTube पर ये जो आप ऊपर का बैनर देख रहे हो ये लोगो दोनों कैसे लगाते हैं। ये बैनर वाला बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है क्योंकि इसका साइज जो होता है वो आपको मिलेगा नहीं फुल, मतलब ये जो मैंने फुल लगा के रखा है ये वाला मिलता नहीं जल्दी, आप जल्दी सेट भी नहीं कर पाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा हार्ड है लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल आसानी से इसको सेट कर पाओगे। तो इस चैनल पर तो मेरे सेट है पहले से यहाँ पे सेट हुआ रखा है, लेकिन मेरा एक और चैनल है अरमान रोस्टर के नाम से, जो अभी मैंने मतलब वो चैनल बेकार है, मैंने उस पर कुछ भी अपलोड करता था, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा उस पर से सारे वीडियोज डिलीट करने वाला हूँ और उसको रोस्टिंग का चैनल बनाने वाला हूँ। ये वाला वो चैनल है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अगर ये चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो यार इसको सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि मैं इस पर रोस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ और इस पर हम लगाने वाले बैनर और लोगो, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बैनर और लोगो कैसे लगा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पिक्सल लाइव एप्लीकेशन ओपन करेंगे। पिक्सल लाइव एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये मैंने यहाँ पे अपना फोटो एडिट करके रखा है जो कि मैंने बैनर के लिए एडिट करके रखा है। तो आपको एडिट कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर आप एडिट नहीं कर पाओगे तो आप सेट कहाँ से करोगे। तो यहाँ पे ये जो आप बीच में देख रहे हो इतना सा बैकग्राउंड आप देख रहे हो ब्लू कलर टाइप में, ये जो इतना बैकग्राउंड है इसी पे आपको फोटो को एडिट करना है, सिर्फ इतने पे आप जो भी लगाना चाहते हो उस बैनर में आपको एडिट करना है। अगर आप इससे बाहर लगा रहे हो तो आप सेट नहीं कर पाओगे। यही फोटो को आपको डाउनलोड कर लेना है, इस फोटो का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके सिंपली इस फोटो को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर जहाँ तक बैनर है वहीं तक आपको एडिट करना है। मैंने भी उतना ही एडिट करके रखा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एडिट करके सेव किए हुए, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ उस फोटो को जो मैंने अभी एडिट करके सेव करा है बैनर पर लगाने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे वो फोटो आपको मिल जाएगा, चलो ये ऊपर का अभी पार्ट इसको डिलीट कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो सिर्फ इतना ही आपको एडिट करना है, इससे ज़्यादा एडिट नहीं करना है। और यहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड पे जो सेटेड है मैं आपको पहले से ही इसका बैकग्राउंड एडिट करके इतने ही मतलब उतने ही फ्रेम पर दे दूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे ये जितने पे ये मेरा एडिट है ये वाइट बैकग्राउंड और ये जितने पे मेरा एडिट है उतना ही आपको लगेगा, उसके अंदर ही आपको एडिट करना पड़ेगा। ये मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगा वहाँ पे आप एडिट कर लेना, अगर आप उससे बाहर करोगे तो आपका सेट नहीं हो पाएगा बैनर, आप ध्यान से ये बात आप गांठ बांध के रख लेना। तो यहाँ पे फोटो को सेव करने से पहले आपको एक और चीज़ करना होगा, नहीं तो वो भी नहीं सेट होगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको अल्ट्रा कर देना है, मतलब अल्ट्रा करके आपको हाई रेजुलेशन में सेट करना है, मतलब सेव करना है सॉरी। अगर आप हाई रेजुलेशन में सेव नहीं करोगे तो भी आपका बैनर वहाँ पर नहीं लग पाएगा और फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन पे करके इसको सेव टू गैलरी कर देना है, अगर आप हाई रेजोल्यूशन में नहीं करोगे तो वहाँ पे वो एक्सेस नहीं लेता है। तो अब हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, लेकिन आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इस लिंक पर पहुंच जाओगे जो लिंक मैं अभी ओपन किया हूं। तो आप इस लिंक पे आने के बाद आपका जो भी चैनल है यहां पे एक चैनल सिलेक्ट रहेगा, तो दूसरा चैनल कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो यहां पे जो थ्री डॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्रोम ब्राउजर से आपको इसको ओपन करना है लिंक को, यहां पे जो थ्री डॉट का लिंक आपको सॉरी थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड कर देना है अपने यूट्यूब को। इसको डेस्कटॉप साइड करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो डेस्कटॉप साइड में हो गया। अब हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पर आपको ये जो लोगो दिख रहा है यहाँ पे चैनल का लोगो दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्विच चैनल का ऑप्शन आएगा, जिससे आप अगर आप दूसरे चैनल पे सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे दूसरे चैनल पर भी कर सकते हो। स्विच अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में जितने भी अकाउंट होंगे वो आ जाएंगे, आप दूसरा अकाउंट भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। जिस अकाउंट में आप बैनर लगाना चाहते हो वो अकाउंट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर बैनर लगाने के लिए हमको करना क्या है, सिंपली ये जो बैनर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, सिंपली इसी पर एक बार क्लिक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे आप इस बैनर वाले ऑप्शन पर एक क्लिक मारोगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हो। तो यहां पे आपको ब्लू कलर का एक लाइन मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा सिलेक्ट योर फोटो कंप्यूटर, आपको इस पर क्लिक करके सीधा डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने उस बैनर वाले फ़ोटो को यहाँ पे आपको ले लेना है। तो मैंने पिक्सल लैब से एडिट किया है तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है ये वाला, जैसा कि आप लोग देख रहे हो वाइट बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है अभी इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो मोबाइल वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये आपको दिखा रहा है कि पीसी में ऐसा दिखेगा, टीवी में ऐसा दिखेगा, मोबाइल में ऐसा दिखेगा, मतलब आपका चैनल कोई पीसी में खोलेगा तो अलग दिखेगा, मोबाइल में खोलेगा तो अलग दिखेगा और टीवी में खोलेगा तो अलग दिखेगा, ये आपको दिखा रहा है। लेकिन मोबाइल वाला जो है हमको मोबाइल में ही रखना है क्योंकि मोबाइल लोग ज़्यादा यूज करते हैं, पीसी और टीवी तो बहुत कम यूज करते हैं। तो आपको एडजस्टमेंट पर आके इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, मतलब बिल्कुल अच्छे से आपको अगर थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट हो रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ से आप इसको बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेना।
और मेरे फोटो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसी को डाउनलोड करके उसी फ्रेम पे आपको एडिट करना पड़ेगा, उतने ही फ्रेम पे जितने फ्रेम पे मैंने आपको फ्रेम दिया। अगर आप दूसरे साइज के फ्रेम पे एडिट करोगे तो आपका बेकार हो जाएगा, सेट नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले भी वार्निंग दे रहा हूँ अगर आप नहीं करोगे तो आपका सेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर चुका हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली की थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अब यहाँ पे बात आती है लोगो कैसे चेंज करें, तो लोगो चेंज करने के लिए सीधा हम फिर से वही काम करेंगे, लोगो पे क्लिक कर लेंगे। जो लोगो वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, लोगो पे आपको एक बार टाइप करना है। जैसे आप लोगो पे टाइप करेंगे यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली एडिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आपका जो भी लोगो है उसका चेंज करने का ऑप्शन और रिमूव करने का। तो आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज पे आपको क्लिक करना है और आपको अपने एक फोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे कैमरा वगैरह ओपन होगा। तो हम यहाँ पे पहले से हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में पड़ा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको यहाँ साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करके पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अपने फोटो का स्क्रीन शॉट लेके रखा है, ये वाला फोटो मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद फोटो हमारा आ जाएगा और आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें भी आएगा कि आप, मतलब ये नीचे आप देख सकते हो एडजस्ट का ऑप्शन आया, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से, जितना आप चाहो उतना एडजस्ट कर लेना। मतलब आपका फेस ही आने वाला है, ये ज़्यादा बड़ा लेता नहीं है तो आपका फेस ही आएगा इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा जैसा कि आप लोग देख रहे हो। मतलब ये फुल फोटो नहीं लेता है, थोड़ा सा आपका फेस टाइप में गोल गोल सा जैसा कि ऊपर सेट है वैसा लेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। सॉरी मैं थोड़ा सा जूम करके एडजस्ट करता हूँ, चलो ये सही से एडजस्ट नहीं हो रहा है, छोटा है तो चलो जूम कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देंगे, मतलब सर के नीचे हल्का सा, और सेट करके यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। तो अभी ये बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे एक ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको एक बार सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका यहाँ लोगो सेट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, आपका लोगो यहाँ पे सेट हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, सेट हो जाता है लेकिन शो नहीं होता है, लेकिन आपको मतलब अगर शो नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो घंटे में शो होने लगता है, किसी किसी में नहीं शो होता है, लेकिन वो सेट हो जाता है तो कुछ टाइम में शो लेता है, लेकिन किसी किसी में तुरंत ले लेता है। आपको यहाँ पे सीधा बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्टली हम बैक आ जाएंगे अपने पेज पे, जिस पेज को हमने लिंक से ओपन किया। तो उस पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा तो आपको यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अभी जो हमने सेट करा था वही बैनर और वही लोगो दिखाएगा रिफ्रेश करने के बाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो हमारा रोस्टर वाला ये वाला लोगो आ चुका है बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पे ये सब कुछ आ चुका है। अब हम सिंपली YouTube ओपन कर लेते हैं और देखते हैं YouTube में आया कि नहीं। तो YouTube ओपन करेंगे, YouTube ओपन करने के बाद हमने हमारा प्रोफाइल ही खोल रखा है, तो हम यहाँ भी एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आ गए। तो यार इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा अरमान रोस्टर को तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पर अच्छे अच्छे मैं रोस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार, तुम्हारे भाई का ही तो चैनल है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।